तो हम लोग हैं मई मंथ में और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आपको यहाँ पर किस मंथ में कैसे कपड़े लेके आना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ आराम से और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो देख के आपको समझ में आ गया है क्या है वीडियो, पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हमारा ब्लॉगिंग चैनल देखो, सुरभि एंड दीपक ब्लॉग्स। हमारी जो जर्मनी की लाइफ है वो हम उसमें कवर करते हैं और बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हैं वो देखो। अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है कि अगर आप इंडिया से यहाँ आने वाले हो और आप बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट पे हो कि आपको क्या लेके आना चाहिए कपड़ों में, जूतों में, एक्सेसरीज में, तो ये वीडियो उसी के ऊपर होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स इनिशियली हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर किस मंथ में किस तरीके का मौसम होता है या किस तरीके के टेम्परेचर होता है। ऐसा भी धारणा मैंने सुनी है या मेरे ही कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि लोगों ने ये भी बोला है कि यार जर्मनी में समर्स जो है वो पड़ती भी है या नहीं, या लोग जो है स्लीवलेस कपड़े पहनते भी हैं या नहीं। तो इस सब का जवाब मैं इस वीडियो में देखूंगी। जो लोग नहीं भी आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पर कौन से सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर चार सीजन्स होते हैं और वो सीजन्स के हिसाब से ही मैं आपको जो है वो कपड़े बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो सीजन स्टार्ट करती हूँ, वो है जो कि भारी भरकम सीजन होता है, वो होता है विंटर सीजन। विंटर सीजन जो होता है वो नवंबर से फरवरी होता है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो लानी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, पर एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के कपड़े या जूते या एक्सेसरीज आपको लानी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले जो भी आपके इनर वेयर्स होंगे, जो विंटर वेयर्स होते हैं, तो वो आप ला सकते हो इंडिया से। डिकेथलॉन एक ब्रांड है जहाँ पर सस्ते अच्छे मिल जाते हैं जो कि यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से सही रहते हैं। और यहाँ पर विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम लाइक 4 to 3 degrees, तो एवरेज रहता ही है, पर कभी कभी इतनी हार्श विंटर हो जाती है कि -4, -10 टेम्परेचर भी चला जाता है। तो प्रॉपर आपको जो है विंटर के जो इनर वेयर्स होते हैं वो पहनने पड़ते हैं, प्लस आपका जो वुलन टॉप होता है वो पहनना पड़ता है, जो आपका जीन्स होता है, जीन्स में भी अगर आप इनर अंदर पहने तो अच्छा है, या यहाँ पर जो है वो वुलन के बॉटम्स आते हैं आप वो भी ले सकते हो, यहाँ से वो पहन सकते हो। देन आपको सॉक्स जो हैं वो भी विंटर वेयर्स लेने पड़ेंगे, मतलब अच्छे वॉर्म जो होते हैं वो। बूट्स जो हैं वो भी यहाँ की ठंडी के हिसाब से लेने पड़ेंगे क्योंकि पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। एंड देन द जैकेट जो कि आउटर वेयर होता है, और वो जैकेट भी जो है वो आपको बहुत गर्म लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 2 घंटे भी बाहर हो और अगर आपने सही जैकेट नहीं पहना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होगी और आप बीमार भी पड़ सकते हो। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर और देती हूँ, अगर आप इंडिया से जैकेट्स वगैरह खरीदते हो, विंटर वेयर खरीदते हो, तो वो यहाँ पर काम नहीं आते हैं क्योंकि इंडिया में इंडिया के हिसाब से विंटर वेयर बनते हैं और यहाँ की विंटर्स जो होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो कोशिश करो, अगर डिकेथलॉन में मिल जाता है या वाइल्ड क्राफ्ट करके ब्रांड है वहाँ मिल जाता है तो लेके आओ, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ काम चलाओ ला सकते हो। फिर एक बार जब लैंड करो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो चीप ब्रांड्स भी हैं, एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये हो गई आउटरवेयर। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके कानों को कवर करने के लिए। तो कानों को कवर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप वुलन कैप पहन सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी आपको लाना ही चाहिए, और गले को ढकने के लिए, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी वॉर्म होना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो जनरली हम भी नहीं करते थे पर हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम कान को नहीं ढकते हैं या गले को नहीं ढकते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है ना, यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो ऐसे में अगर आप नहीं पहनते हो या अपने कान को नहीं ढकते हो तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। और यहाँ पर जब आप आओगे या यहाँ के लोगों को देखोगे तो जैसे ही थोड़ी ही ठंडी चालू होती है ये लोग जो हैं जैकेट पहने या ना पहने, अच्छा गर्म, लेकिन इनके कान और गला जो है वो हमेशा ढका होता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखो,
इनिशियली बीमार मत पड़ो, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूँ। और मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट चीज़ है, वो है आपके हैंड ग्लव्स, जो कि वुलन के होने चाहिए। और मेरे पास जो है वो है अंडर आर्मर के, और वो -10 डिग्री तक जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे हैंड जो है बहुत सेंसिटिव है, तो मैंने वो लिया। पर आप और भी कोई ब्रांड का ले सकते हो और यहाँ आओगे और लोगे तो ज़्यादा बेटर है। पर वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विंटर में, बाहर घूम रहे हो तो अंदर तो इतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन बाहर तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो आपको विंटर के लिए ये सारी जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है टिक करो, और अगर आ रहे हो तो ये भी देख लो कि क्या चीज़ जो है वो यहाँ से लेनी है, क्या चीज़ जो है वो आप इंडिया में ले सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट सीज़न की तरफ, जो कि है समर सीज़न। समर सीज़न को ऐसा मतलब सुना है मैंने, लोगों को ऐसा लगता है यूरोप या जर्मनी में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री तक जाता है समर्स में, और जो मंथ्स होते हैं, जो प्रॉपर जो समर मंथ्स होते हैं, वो होते हैं जून से लेकर अगस्त तक। तो जून जुलाई अगस्त जो होता है वो प्रॉपर समर होता है, जिसमें नॉर्मली 25 to 27 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, कभी कभी 30 डिग्री भी चला जाता है। तो क्या पहनना चाहिए आपको, और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, हमारा जो 30 डिग्री होता है वो हम झेल जाते हैं, पर यहाँ का जो 30 डिग्री है वो हम नहीं झेल पाते। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, पर यहाँ 30 डिग्री में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इन दैट केस, अगर आप समर्स में यहाँ पर आ रहे हो, जो मैंने आपको मंथ्स बताए उन मंथ्स में, और आप इंडिया से कुछ लेके आना चाहते हो, तो आप ऑफकोर्स जो हमारे समर्स फुटवेयर्स हैं वो लेके आ सकते हो। लिनन या जो कॉटन, जो प्रॉपर 100% कॉटन के जो कपड़े हैं वो लेके आ सकते हो। वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर बहुत चल जाती हैं अच्छे से, प्लस थोड़ी सस्ती भी होती हैं इंडिया में, यहाँ थोड़ी महंगी होती हैं। बाकी जो क्लोथ्स हैं उसके रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो यहाँ पर भी आके ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू मैच कि यार मुझे यहाँ के फैशन से मैच करना है, जो हम लोगों को लगता ही है जब हम यूरोप में आते हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप 100% कॉटन ड्रेसेस वगैरह या शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह लेके आ सकते हो वहाँ से, या लिनन वगैरह की चीज़ें लेके आ सकते हो। और हाँ, यहाँ पर समर्स जो होती हैं हार्श होती हैं, तो कभी कभी जीन्स पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो थिक मटेरियल्स होते हैं वो नहीं चलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने पता नहीं फिल्मों में देखा होगा या फिर वीडियोस में देखा होगा, जैसे ही समर्स स्टार्ट होती हैं लोगों के जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पर फुल कपड़े पहन के घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो चुभते हैं बिकॉज ऑफ गर्मी। तो इसलिए ये रीज़न है यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, मुझे नहीं पता रीज़न है क्या है। और एक जो समर का प्रॉपर लुक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ जनरली जो मैंने देखा, वाइट टी शर्ट होती है इनकी, शॉर्ट्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल, जीन्स या कोई भी, एक सनग्लासेस होता है, कैप होता है जिसको लगाना है नहीं लगाना, कैप भी आप लगा सकते हो, ये इनका एक समर आउटफिट होता है, और वाइट शूज़, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको भी ऐसा कुछ पहनना है तो या तो वहाँ से लेके आ सकते हो या यहाँ से ही खरीद सकते हो। अब जो नेक्स्ट सीज़न है वो है ऑटम, और ऑटम जो होता है वो ऑफिशियली यहाँ पर होता है सितंबर और अक्टूबर। जनरली सितंबर जो होता है वो थोड़ा गर्म ही होता है। 2018 में तो पूरा सितंबर बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ था, मतलब गर्मी वाला गर्म हुआ था, पर सितंबर और अक्टूबर जो होते हैं ऑफिशियली जो होता है वो ऑटम सीज़न होता है, जहाँ पत्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं ऑटम वाले। आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी, उसी टाइप के। लेकिन यहाँ पर मौसम जो होता है वो अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा ठंडा जो है वो चालू हो जाता है, तो नॉर्मली 15 डिग्री तक तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ठंडा हो जाता है। तो कैन सजेस्ट कि आप लोग स्वेटशर्ट लेके आ सकते हो, जीन्स भी इस टाइम पे पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा हैंड ग्लव्स और कैप्स वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी बिकॉज ठंडी ज़्यादा होती है तो बूट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। स्वेटशर्ट यू कैन वेयर एंड जीन्स आप लेके आ सकते हो। बाकी एक जैकेट भी आपके साथ हमेशा होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि हो सकता है अक्टूबर में भी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मिड ऑफ अक्टूबर तक जो है वो 19 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ईजली जो है वो मैनेजेबल होता है। तो जो लास्ट सीजन है वो है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को
और ज़्यादा एलोब्रेट करने से पहले मैं आपको एक मंथ के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। यहाँ पर बहुत सारी कहावतें हैं उस पर्टिकुलर मंथ से लेकर। तो वो मंथ है अप्रैल, और अप्रैल को बोलते हैं अप्रैल मार्क्स वस एयर विल, मतलब अप्रैल वही करता है जो उसको करना है। और ये सही बात है, क्योंकि अप्रैल मंथ में किसी भी तरीके का मौसम हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा 25 डिग्री भी हो जाता है, कभी कभी -2 डिग्री भी हो जाता है, स्नो हो जाती है, रेनी हो जाता है। तो मतलब आप एक एक मंथ में बहुत सारे जो हैं वो सीज़न देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। तो आपको अपने साथ छाता भी रखना पड़ेगा, आपको अपने साथ वुलन जैकेट भी रखना पड़ेगा, कुछ गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे, और स्नो हो जाती है तो बूट्स भी रखने पड़ेंगे। पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। हो सकता है अप्रैल मंथ में 2 बार स्नो पड़ जाए या 2 बार टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, पर होता ज़रूर है। तो अप्रैल मंथ में आपको एक्चुअली में समर के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, विंटर के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और मिड जो ठंडी गर्म वाला मौसम होता है उसके लिए भी प्रिपेयर होना होगा। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन है वो ऑफिशियली यहाँ पर होता है मार्च, अप्रैल और मई। तो मई मंथ में है अभी हम लोग। तो मई मंथ में अभी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 22 डिग्री to 25 डिग्री डेली में हो रहा है। और इस टाइम पे एक्चुअली सबसे अच्छा हम इंडियंस के लिए मौसम होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। यू कैन वेयर जीन्स ऑल्सो, यू कैन वेयर टी शर्ट, आराम से आप टी शर्ट में बाहर घूम सकते हो, क्योंकि 22 से 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है हमारे लिए एकदम अप्रोप्रिएट होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ऑफकोर्स आपको जो समर वाले कपड़े होते हैं, जो नॉर्मल समर वाले कपड़े हैं, वो आप इस मंथ में पहन सकते हो। लेकिन मार्च जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, पर हाँ, मिड मार्च तक जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यू कैन कंसीडर दैट एज विंटर ओनली, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज होना चालू होता है। तो मार्च जो है, जैसे मैंने आपको बोला, मार्च, अप्रैल और मई, ये तीन जो है वो ऑफिशियल स्प्रिंग सीजन है यहाँ पर। लेकिन मार्च में जो है वो ठंड होती है, मतलब विंटर टाइप के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, और अप्रैल में आपको बताया ही मैंने बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। मई से जो है वो थोड़ा समर वाला स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी रेन हो जाती है, थंडर स्टॉर्म हो जाता है, पर स्टिल आप टी शर्ट और जीन्स और कभी कभी स्वेट शर्ट पहन के जो है वो बाहर जा सकते हो। तो ये थे सारे सीजन, सारे मंथ, और उसके हिसाब से आपको क्या लेके आना चाहिए या यहाँ से खरीदना चाहिए वो आपको आइडिया आ गया हो। एक और बात, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर जो कपड़ों के जो रेट्स हैं, जो प्राइजेज हैं, वो इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अगर आपके पास चॉइस है वहाँ से शॉपिंग करके आओ टू यहाँ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। पर फिर भी आपको 2 या 3 दिन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, जब वहाँ से यहाँ पर आओ तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और 500 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो में। आई नो कुछ वीडियोज़ में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है पिछले कुछ वीडियोज़ में, और उसका जो मैंने आपको वादा किया था वो बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं फॉर श्योर। पर इस वीडियो को भी 500 लाइक्स दो, प्यार दो अपना, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।